आज हम एक्सप्लेन करेंगे फ्रिक्स ऑफ नेचर नाम की एक मूवी को। ये एक ऐसी शहर की कहानी है जहां ज़ॉम्बीज, वैम्पायर्स और इंसान एक साथ रहते थे। कहानी के शुरू में ओहायो नाम का एक शहर दिखाया जाता है। इस शहर में वैम्पायर्स को सबसे ऊंचे क्लास का माना जाता था और उन लोगों को खून भी अलग से दिया जाता था ताकि वो इंसानों को मार के उसका खून ना पिए। दूसरे पैदान पे थे इंसान जो कि वैम्पायर और ज़ॉम्बीज को लेकर परेशान थे, और तीसरे पैदान पे थे ज़ॉम्बीज। कुछ ज़ॉम्बी को शहर से अलग रखा गया था क्योंकि वो मौका मिलते ही सब इंसानों को खाना चाहता था। और जो शहर के अंदर थे उन ज़ॉम्बीज के गले में एक डिवाइस बांधा गया था ताकि वो कंट्रोल में रहे। और सबसे दिलचस्प था यहाँ का स्कूल जहाँ पर ज़ॉम्बीज, वैम्पायर्स, इंसान सबके बच्चे पढ़ने आते थे। यहाँ पर इस कहानी का मेन कैरेक्टर डैग को दिखाया जाता है जो कि लोरेले नाम की एक लड़की को पसंद करता है, हालांकि लोरेले उसे पसंद नहीं करती थी। और एक दूसरे कैरेक्टर है पेट्रा जो कि मिलन नाम का एक अमीर वैम्पायर को बहुत ही पसंद करती थी। स्कूल का सबसे इंटेलिजेंट लड़का था नेट, हालांकि नेट का पेरेंट्स नेट को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे और हर वक्त उसे डांटते रहते थे। एक दिन पेट्रा मिलन के घर पार्टी में जाती है और जब दोनों एक साथ अच्छे टाइम बिता रहे थे तभी मिलन पेट्रा को काटने की कोशिश करता है ताकि पेट्रा भी वैम्पायर बन जाए। पेट्रा मिलन को रोक देती है और इस वजह से मिलन गुस्सा हो जाता है। तो फिर पेट्रा वैम्पायर बनने के लिए राजी हो जाती है, पर दूसरे दिन जब पेट्रा देखती है कि वो धीरे धीरे वैम्पायर बन रही है तो वो मिलन को कॉल करने की कोशिश करती है, पर देखती है मिलन उसकी फोन से अपना नंबर डिलीट कर दिया है। तो पेट्रा समझ जाती है कि सिर्फ उसकी खून पीने के लिए ही उसको इस्तेमाल किया गया है। एक दूसरे सीन में एक फुटबॉल के मैदान दिखाया जाता है जहां पर एक कोच दिखाई देते हैं जो कि एक बहुत ही बड़ा मीट फैक्ट्री का ओनर भी है, और वो बहुत लालची भी था क्योंकि पैसे बचाने के लिए फैक्ट्री के सभी एम्प्लॉयज को वो निकाल के ज़ॉम्बीज को रख लिया था। खेल शुरू होते ही डैग बॉल फेंकता है और एक खिलाड़ी को चोट आ जाता है। इस वजह से कोच डैग के ऊपर गुस्सा हो जाता है, परंतु दर्शकों के बीच लोरेले भी मौजूद थी और वो डैग से इम्प्रेस होकर मिलने की मन बना लेती है। दोनों डैग के हाउस में मिलते हैं और रोमांटिक बातें करने लगते हैं। तभी डैग के पेरेंट्स डैग के रूम में आ जाते हैं और लोरेले खिड़की से बाहर चली जाती है। तब उसके पेरेंट्स उसे समझाते हैं कि अब तुम बड़े हो रहे हो तो शरीर के अंदर और बाहर बहुत सारा चेंजेस आएगा। ये सब सुनके डैग बहुत ही अनकंफर्टेबल महसूस करता है। दूसरी तरफ नेट को उसके पेरेंट्स डांटते हुए दिखाई देते हैं, तो गुस्सा होकर नेट ज़ॉम्बीज के इलाके में चला जाता है। वहाँ वो देखता है कि ज़ॉम्बीज एक दूसरे के साथ मजे कर रहे हैं। वहाँ पर जिसको जो मन चाहे वो कर रहे हैं। किसी की भी कोई बात से उन ज़ॉम्बीज को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये देखकर वो एक ज़ॉम्बी को बोलता है कि वो भी ज़ॉम्बी बनना चाहता है, तो एक ज़ॉम्बी से वो बाइट लेता है और ज़ॉम्बी बन जाता है। कुछ दिन बाद उस शहर के ऊपर एलियंस हमला कर देते हैं, तो सभी बहुत डर जाते हैं और तीनों वर्गों के लोग एक मीटिंग बुलाते हैं और एलियंस को बुलाने के लिए एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हैं। तो फिर पूरे शहर में तीनों वर्गों के बीच दंगा फैल जाता है। दूसरे दृश्य में लोरेलाई को दिखाई जाती है जिसे इस सब से कुछ फर्क नहीं पड़ती, और वो डैग को फिजिकल होने के लिए बोलती है, तो डैग उसे घर लेके जाता है। पर जब दोनों फिजिकल होने जा रहे थे तभी वैम्पायर अटैक कर देते हैं और वो दोनों बालकनी से छलांग लगाकर खुद को बचा लेते हैं। परंतु नीचे भी एक वैम्पायर अटैक कर देता है तो वो दोनों बचने के लिए एक घर में घुस जाते हैं और दरवाजा लॉक कर देते हैं। उसके बाद देखते हैं कि पूरा घर ज़ॉम्बी से भरा पड़ा है और वो ज़ॉम्बीज वहाँ पर एक सीक्रेट मीटिंग कर रहे थे। तो ज़ॉम्बीज उन लोगों के ऊपर अटैक कर देते हैं और तभी वैम्पायर्स भी वहाँ आ जाते हैं। फाइट के बाद वहाँ सिर्फ डैग, नेड और पेट्रा जीवित रहते हैं। वो तीनों भी आपस में लड़ाई करने ही वाले होते हैं तभी एलियंस वहाँ पर अटैक कर देते हैं। फिर डैग को याद आता है कि ये उसका ही एक टीचर का घर है जो कि बेसमेंट में रहता है, तो डैग बेसमेंट में जाने का रिक्वेस्ट करता है और उसका टीचर मान जाता है। फिर वहाँ की खिड़की से डैग एलियंस के ऊपर नजर रख रहा था। तभी नेट और पेट्रा को बहुत भूख लग रहा था तो वो दोनों मिलके डैग के टीचर को खा लिया। डैग को बहुत गुस्सा आता है पर वो सोचता है कि अभी वो कुछ कर भी नहीं सकता,
तो फिर एक साथ बेसमेंट के अंदर रहने लग गया। फिर डैक को उसके पेरेंट्स को लेकर चिंता हो रहा था तो वो घर जाना चाहता था। तो सुबह होते ही तीनों बेसमेंट के बाहर आता है, पर तेज धूप के कारण पेट्रा की स्किन जलने लगती है। तो डैक अपना सारा कपड़ा पेट्रा को दे देता है और खुद कपड़ों के बिना चलने लगता है। डैक जल्द से जल्द घर जाना चाहता था तो वो दौड़ने लगा और नेट और पेट्रा से अलग हो गया। फिर नेट और पेट्रा कॉलेज जाते हैं और डैक भी वहाँ पर आ पहुँचता है और दोनों को बताता है कि वो रास्ते में कुछ एलियंस से मिला, पर वो एलियंस उसे कुछ नहीं किया। तब नेट बोला कि शायद वो एलियन सिर्फ सिंथेटिक चीजों को फील कर पाते हैं और डैक के शरीर में कपड़ा नहीं था, इसलिए उसको फील नहीं कर पाया। फिर वो तीनों एक साथ कुछ वक्त बिताते हैं और जब उन तीनों को लगता है कि एलियंस आसपास नहीं है तो वो तीनों कपड़ा उतार के डैक के घर जाते हैं, पर वहाँ पर डैक के पेरेंट्स नहीं थे। उसके बाद कुछ एलियन उन तीनों के ऊपर अटैक कर देते हैं क्योंकि तब तक वो तीनों फिर से ड्रेस पहन लिए थे। एक एलियन नेट को वहाँ से ले जाता है और पेट्रा रोकने की कोशिश करती है, पर उससे कुछ नहीं होता। फिर पेट्रा और डैक दोनों ही बहुत अपसेट हो जाते हैं, पर कुछ देर के बाद नेट वापस आ जाता है जो देख के दोनों हैरान हो जाते हैं। नेट बताता है शायद पेट्रा उस एलियन को मारने में सफल हुई थी, इसीलिए वो एलियन नेट को बेस कैंप तक नहीं ले जा पाया। और नेट को ये भी पता चलता है कि एलियंस को यहाँ पर सरवाइव करने के लिए एक केमिकल की जरूरत होती है जो कि कोच के फैक्ट्री में है। तो तीनों मिलके कोच के घर जाते हैं और नेट को भूख लगता है तो वो कोच की गर्लफ्रेंड को खा लेता है, तो वो कोच उन तीनों को बाहर फेंक देता है। तभी उन तीनों के ऊपर एलियंस अटैक करते हैं और एक फैक्ट्री में ले जाके फेंकते हैं जहाँ पर एलियंस उस शहर के बाकी लोगों को भी रखे थे। वहाँ पर नेट अपने पेरेंट को देखता है जो कि अभी जॉम्बी बन चुके थे, तो नेट खुश हो जाता है। और डैक भी अपने पेरेंट से वहाँ पर मिलता है जो दोनों अभी भी इंसान ही थे। वहाँ पर सभी मिलके प्लान बनाते हैं कि सभी एक साथ एलियन के ऊपर अटैक करने से शायद वो ट्रैप टूट सकता है, तो वो सब मिलके अटैक करते हैं और ट्रैप तोड़ के फ्री हो जाते हैं। फिर वो लोग सीधा कोच के फैक्ट्री पहुंचता है और देखता है कि वहाँ पर एलियंस के अंदर से कुछ बच्चे बाहर आते हैं और उसे केमिकल के अंदर डालते ही एक बहुत ही बड़ा एलियन बन जाता है और वो एलियन सबके ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है, परंतु उसके शरीर के ऊपर गलती से अमोनिया लिक्विड गिर जाता है तो वो बहुत छोटा साइज का हो जाता है और फैक्ट्री में एक बॉम्ब फेंक कर अपनी शिप में वापस लौट जाता है। तभी डैक एक मेल वॉरवुल्फ में बदल जाता है और उस बॉम्ब को उस स्पेसशिप में फेंक के स्पेसशिप को नष्ट कर देता है। उसके बाद दिखाया जाता है कि उस शहर में सभी एक साथ आराम से रहने लग रहे हैं और डैक लोरेलाई की जगह पेट्रा को डेट कर रहा है और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। और अगर आप जानना चाहते हैं कि एक विशालकाय मानव के शरीर कैसे टूरिस्ट अट्रैक्शन बन जाता है तो राइट साइड वाला वीडियो पर क्लिक करें। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि हम रोज ऐसे ही वीडियोस अपलोड करते रहते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।